नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दूरदर्शन किसान के लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में। मैं हूं आपके साथ अदिति शर्मा। किसान भाइयों बहनों, हेलो किसान में हम क्या करते हैं, आपकी समस्याओं का समाधान आप तक पहुंचाते हैं। उसके लिए रोजाना हम नए विषय आपके लिए लेकर आते हैं जिनकी जानकारी आइए अब आपको दे देते हैं कि आज के हमारे इस कार्यक्रम में किन विषयों पर चर्चा होने वाली है। आज के हमारे इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे अनानास की खेती के बारे में और साथ ही आपको बताएंगे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में। तो दोनों ही महत्वपूर्ण विषय हैं। इन विषयों से संबंधित आपके पास कोई भी सवाल है तो आपको क्या करना है, हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल करना है, अपने सवाल पूछने हैं। टोल फ्री नंबर है 1800-1130-6 1800-1130-6 1। ये हमारे टोल फ्री यानी कि निःशुल्क नंबर है। इस पर आप अगले एक घंटे के दौरान कॉल करके अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं जिनके जवाब हमारे विशेषज्ञ आप तक पहुंचाएंगे। आइए परिचय करवा दें। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर मनोज खन्ना उपस्थित हैं स्टूडियो में। बता दें प्रधान वैज्ञानिक हैं जल प्रौद्योगिकी केंद्र आईआरआई पूसा नई दिल्ली में। डॉक्टर खन्ना बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। और साथ ही हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ी हुई है डॉक्टर एस्थर, बता दें आपको ये असिस्टेंट प्रोफेसर हैं उद्यान महाविद्यालय केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय थेंजोल मिजोरम से। और डॉक्टर एस्थर सीधा मिजोरम से हमारे साथ यहाँ पर जुड़ी हुई हैं जो अनानास की खेती के बारे में आज हमें जानकारी देंगी। किसी तकनीकी समस्या के चलते अभी वो हमसे नहीं जुड़ पा रही हैं, कोई बात नहीं, जैसे ही जुड़ेंगे हम परिचय करवाएंगे। बिल्कुल जुड़ चुकी हैं डॉक्टर एस्थर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम हेलो किसान में। आज हम आपसे अनानास की खेती के बारे में चर्चा करेंगे। तो बिल्कुल किसान भाइयों बहनों, बता दिया है हमने आपको कि किन विषयों पर चर्चा होने वाली है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, इसके बारे में कुछ जानना चाहते हैं आप, कोई भी छोटी से बड़ी जानकारी आप हासिल करना चाहते हैं तो कॉल कर सकते हैं। अनानास की खेती करना चाहते हैं तो इस संदर्भ में भी कोई सवाल है तो वो आप हमसे बेझिझक पूछ सकते हैं। जरिया क्या है, हमारे टोल फ्री नंबर जिसकी जानकारी हम आपको दे चुके हैं और समय समय पर भी वो टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जाएंगे। आप नोट डाउन कीजिए, डायल कीजिए, जैसे ही कॉल कनेक्ट होगा आप अपने सवाल हमसे साझा कीजिए। लेकिन आपको दो बातों का ध्यान रखना है कि जब भी आप कॉल करें, एक तो नेटवर्क एरिया में आकर कॉल करें और जैसे ही आपका कॉल कनेक्ट हो जाए तो टीवी की आवाज थोड़ी कम कर दें। हमें आपकी टीवी की आवाज ज्यादा आती है, आपकी आवाज साफ तौर पर हम नहीं सुन पाते जिसके चलते सवाल समझ नहीं आ पाता। आप जब सवाल सही तरीके से हम नहीं समझ पाएंगे तो जवाब कैसे पहुंचा पाएंगे आप तक। तो इन बातों का ध्यान में रखते हुए बिल्कुल आप हमें कॉल कीजिए, हम आपके कॉल्स का इंतजार कर रहे हैं। बहरहाल हम हमारी चर्चा की यहां पर शुरुआत कर लेते हैं। डॉक्टर खन्ना उपस्थित है हमारे साथ। डॉक्टर खन्ना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, बहुत सारे किसान इससे जुड़ चुके हैं, लाभ ले चुके हैं, लेकिन एक वर्ग ऐसा भी है जिसे इसके बारे में जानकारी नहीं है, क्या कहेंगे हमारे उन दर्शकों को आप? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना ये बहुत देश की हमारे प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई बहुत महत्वाकांक्षी योजना है और ये 2015 में शुरू की गई थी। इसके कुछ घटक हैं जिनके बारे में हम धीरे धीरे एक एक करके चर्चा करेंगे और कैसे इसमें किसान भाइयों को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाती है और कैसे इसमें पानी की उचित प्रबंधन की व्यवस्था की जाती है और उसमें किसानों को कैसे आर्थिक सहायता अनुदान दिया जाता है, इन सब विषयों को इस प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में लागू किया गया है जी। इसके जो अगर मुख्य घटक की मैं बात करूं तो इसमें हम बात करते हैं हर खेत को पानी और पर ड्रॉप मोर क्रॉप, मतलब प्रति बूंद से अधिक उत्पादन कैसे करें, और जल संचयन और जल संरक्षण, यानी कि पानी से संबंधित सभी विषयों पर वो इस योजना में सम्मिलित किया गया है और कोशिश की गई है कि सारे किसान भाई जो खेती में आधारित हैं, खेती पे अपनी जीविका चलाते हैं, उसमें एक सिंचाई बहुत बड़ा योगदान करता है और उन सब विषयों को इस योजना में सम्मिलित किया गया है और हर विषय पे उनको ना केवल तकनीकी ज्ञान, उनको सहायता अनुदान और सब चीजों की व्यवस्था करने का इसमें कार्यक्रम है और बहुत सारे किसान भाई हमारे पूरे देश में इस योजना का लाभ ले चुके हैं। बिल्कुल, कई किसान जुड़ चुके हैं, इससे लाभ ले चुके हैं, जो विभिन्न आधुनिक पद्धतियां हैं सिंचाई के लिए उन्हें अपना चुके हैं, पानी की बचत कर रहे हैं, अपनी लागत में भी कमी ले आए हैं। सीधे तौर पर ये फायदा हमारे किसान उठा रहे हैं, आप भी जुड़ सकते हैं, इसे अपने लिए फायदेमंद बना सकते हैं। कैसे करना है आपको ये सब बताएंगे आपको, लेकिन इससे पहले हमारी एक रिपोर्ट है वो दिखा देते हैं आपको। पानी
पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सरकार सराहनीय प्रयास कर रही है। सरकार का मकसद हर खेत तक पानी पहुंचाना है। इसी मकसद को पूरा करने के लिए 1 जुलाई 2015 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की शुरुआत की थी। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना केंद्र और राज्य सरकार के समन्वय वाली योजना है। केंद्र सरकार इस योजना के कुल संभावित खर्च का 75% हिस्सा वहन करती है, बाकी बोझ राज्य सरकारें उठाती हैं। वो कृषि क्षेत्र जो ऊंचाई वाले स्थान पर हैं, उसके लिए केंद्र सरकार 90% खर्च और राज्य सरकार इन 10% खर्च वहन करती हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के कई घटक हैं। पहला है त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम यानी AIBP। दूसरा घटक है हर खेत को पानी। तीसरा घटक प्रति बूंद अधिक फसल सिंचाई योजना है। और चौथा घटक है पनधारा विकास। इसमें पानी के परंपरागत तालाबों का नवीनीकरण किया जाता है। योजना का फायदा लेने के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर ही कृषि सलाहकार या कृषि पर्यवेक्षक के पास जाकर सब्सिडी का फॉर्म भरना होता है। फिर ये फॉर्म जिला कृषि विभाग में जमा होता है। सब्सिडी मंजूर होने पर विभाग की ओर से आपको मैसेज मिलेगा और फिर आप इस योजना का फायदा ले सकते हैं। आप चाहे तो सब्सिडी का फॉर्म ऑनलाइन भी भर सकते हैं। इसके लिए अलग अलग राज्यों में कृषि विभाग की वेबसाइट पर फॉर्म उपलब्ध होगा। इस योजना का फायदा लेने के लिए किसानों के पास कृषि योग्य जमीन होनी चाहिए। योजना के लिए आवेदक का आधार कार्ड, पहचान पत्र, किसानों की जमीन के कागज, जमीन की जमाबंदी, बैंक अकाउंट पासबुक, पासपोर्ट साइज फोटो और मोबाइल नंबर की जरूरत होती है। ज्यादा जानकारी के लिए जिला या ब्लॉक के कृषि अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा किसान कॉल सेंटर के टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर भी बात की जा सकती है। तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना पर आधारित अभी आपने एक रिपोर्ट देखी, थोड़ी बहुत जानकारी आपने जरूर इसके जरिए हासिल कर ली है और जानकारियां हम आप तक पहुंचाएंगे। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे विशेषज्ञ उपस्थित हैं, तो आइए डॉक्टर खन्ना का ही रुख कर लेते हैं यहाँ पर। डॉक्टर खन्ना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, आपने बताया बहुत सारे घटक हैं इसके, उद्देश्य भी हम कह सकते हैं काफी हैं कि हर खेत को पानी मिल सके, एक बूंद से भी यहाँ पर ज्यादा उपज हासिल की जा सके, जल का संरक्षण हो, संचयन किया जा सके, और क्या कहेंगे, मतलब घटक क्या क्या हैं उसके बारे में भी आप जानकारी दीजिए। हम एक एक घटक की एक एक चर्चा करते हैं विस्तार से। इसमें हम सबसे पहले शुरू करें तो जल संचयन या जल संरक्षण के बारे में बात करें, क्योंकि इस समय मानसून हमारे पूरे देश में सक्रिय है और किसान भाई, बहुत जगह बारिश हो रही है, हो चुकी है और पूरे देश में इस समय मानसून की बारिश हो रही है। क्योंकि हमारे देश में काफी क्षेत्रों में वर्षा आधारित खेती होती है, तो इसलिए हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है वर्षा जल का संचयन और संरक्षण। तो हर खेत में, खेत का पानी खेत में रहे, उससे हम अपने किसान भाई तैयारी कर लें कि जहाँ पे मेड़े हैं उनको मजबूत कर लें, जिससे कि खेत का पानी खेत में रह सके, जितनी भी बारिश हो रही है आपके खेत में ही सोख ली जाए। उसके बाद हम बात करें गांव का पानी गांव में, मतलब जहां भी आपके खेत में या आपके गांव में जो तालाब हैं उनकी सफाई कर लें, उसमें जो मिट्टी भर जाती है उन्हें हटा लें, जो नालियाँ पानी को, वर्षा के पानी को तालाब तक ले जाती हैं उसमें घास आ जाती है, खरपतवार आ जाती है, उन्हें सफाई कर लें, जिससे कि जितना भी वर्षा का जल है वो आपके गांव में संरक्षित हो सके, स्वच्छ रूप से हम उसे संरक्षित यहां पर कर सके ताकि आगे हम इस पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब बारिश खत्म हो जाती है, मानसून का समय बीत जाता है, तब हम इस पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। किस तरह से हम इसको और संभव कर सकते हैं, हमारे विशेषज्ञ से जानेंगे, लेकिन आज के कार्यक्रम के पहले कॉलर हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं, उनका सवाल शामिल कर लेते हैं। राजस्थान से जेतराम जी हमारे साथ फोन लाइन पर है। हेलो जी मैम, नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में, क्या सवाल है आपका? हमारा सवाल है मैम जी, है प्रधानमंत्री किसान सिंचाई योजना है जी, इसमें हम कैसे हम लाभ उठा सकते हैं? बिल्कुल, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का आप लाभ कैसे ले सकते हैं, इसके बारे में हमारे विशेषज्ञ बता रहे हैं, क्या कहेंगे आप इनको? जेतराम जी, आप दो तरीके से इसका, विधियों का या योजना का लाभ ले सकते हैं। हर खेत को पानी, हर खेत को पानी का उद्देश्य यह है कि आपके ट्यूबवेल से या आपकी जहां से भी पानी का स्रोत है, तालाब है, वहां से अंडरग्राउंड पाइपलाइन, मतलब पाइपलाइन के द्वारा उस पानी को आपके खेत तक पहुंचाने की व्यवस्था की गई है। यानी कि आपको कच्ची नाली में पानी ना ले जाकर
जिससे पानी बहुत बर्बाद होता है, वो ना करके आप अंडरग्राउंड पाइपलाइन की व्यवस्था इसमें कर सकते हैं। दूसरा, प्रति बूंद अधिक उत्पादन, यानी पर ड्रॉप मोर क्रॉप, यानी कि ऐसी सिंचाई की आधुनिक विधियों का इस्तेमाल करें, जैसे फव्वारा पद्धति है, टपक पद्धति है, रेन गन है, इन सब विधियों को आप अपने यहाँ ले सकते हैं। आप जो इस तरह की भी खेती करते हैं उसमें आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सभी योजना के अंतर्गत आपको इसमें आर्थिक सहायता दी जाती है, जिसको लेने का अभी हमने एक थोड़ी देर पहले एक रिपोर्ट देखी थी कि कैसे व्यवस्था होती है, और आप अपने उसमें एक फॉर्म भरना पड़ता है, अपना आधार, पहचान पत्र या बैंक अकाउंट की डिटेल, मोबाइल नंबर, ये सारी जानकारी भरकर आप ये फार्म जिला कृषि अधिकारी या जिला बागवानी अधिकारी, जो आपके जिले का है या ब्लॉक का है, उससे संपर्क करके उसको जमा करा सकते हैं जी। और उससे आपको अनुदान राशि इन सब व्यवस्थाओं में मिल सकती है। बिल्कुल, तो ना देखिए केवल आपको लागत में कमी यहाँ पर हो रही है जल का बचाव करके, बल्कि आपको यहाँ पर आर्थिक सहायता भी मुहैया करवाई जा रही है। इस योजना के अंतर्गत अनुदान राशि दी जा रही है, जिससे आप आसानी से जितनी भी पद्धतियां हैं उन्हें अपने खेतों में लगवा सकते हैं, जल की बचत कर सकते हैं और इस योजना को सफल बना सकते हैं। बढ़ते हैं आगे, मध्य प्रदेश से विपिन जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, जान लेते हैं क्या है उनका सवाल। हेलो जी मैम, नमस्ते। नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। विपिन जी, क्या सवाल है आपका? मैम मेरा सवाल ये है कि हमारे यहाँ पर तालाब है, लगभग हमारे जो खेत है, मतलब पूरे गांव के जो खेत है उससे लगभग 2 किलोमीटर दूर है, और पानी उसमें बहुत है तालाब में, लेकिन खेतों तक पानी लाने पे हर किसान को लगभग 15-20 लाख रुपए की लागत आएगी मैम। तो इस योजना में इसका क्या फायदा हो सकता है, क्योंकि तालाब तो है लेकिन 2 किलोमीटर दूर है और खेतों में पानी है लेकिन कम है, तो वहां से पानी लाने में कोई इस योजना से लाभ मिल सकता है क्या, क्योंकि तालाब 2 साल पहले ही बन के तैयार हुआ है लेकिन अभी तक खेतों तक पानी नहीं पहुंच पा रहा है मैम। इसमें क्या तालाब को खेतों से जोड़ने के लिए क्या कोई प्रावधान है इस योजना में, हमारे किसानों को किस तरह से मदद मिल सकती है? विपिन जी आपने बड़ा उचित सवाल किया, जो हम अभी चर्चा भी कर रहे थे, हर खेत को पानी, इसका उद्देश्य यह है कि आपके जैसे तालाब है या ट्यूबवेल है उस वो चूंकि आपके खेत से बहुत दूर होते हैं और आपको पानी पहुंचाने में भी काफ़ी पानी बर्बाद हो जाता है कच्ची नाली द्वारा, उसकी बजाय आप अंडरग्राउंड पाइपलाइन या भूमिगत पाइपलाइन की व्यवस्था कर सकते हैं। वहां पर आप अपने यहाँ कोई छोटा सा पंप लगाकर वहां से अपने खेत तक पानी ले जा सकते हैं अंडरग्राउंड पाइपलाइन द्वारा। इन सब विधियों का, और उस पानी को आप जब खेत तक ले जाएं तो चाहे आप फव्वारा सिंचाई यूज़ करें या टपक सिंचाई यूज़ करें, वो अलग ले सकते हैं, लेकिन इन पाइपलाइन लगाने के लिए आपको इसकी अनुदान राशि मिलती है और ये सारी सुविधाएं इस योजना में सम्मिलित हैं। इसलिए आप इन योजनाओं का तुरंत जाएं, अपने जिला कृषि अधिकारी से संपर्क करें और फॉर्म भरें और लाभ लें। बिल्कुल, तो आपको किस तरह से इसमें इस योजना के अंतर्गत यहाँ पर मदद मिल सकती है, हमारे विशेषज्ञ ने आपको बता दिया है। तो देखिए, ये योजना आपकी मदद के लिए, आपकी सहूलियत के लिए ही शुरू की गई है, जिसके बारे में हमारे विशेषज्ञ आप तक जागरूकता पहुंचा रहे हैं। आपके पास कोई सवाल है अभी भी इसके संदर्भ में तो आप बेझिझक कॉल कीजिए, अपने सवाल हमसे आप पूछ सकते हैं। घटकों के बारे में आप जानकारी दे रहे थे, जल संरक्षण पर यहाँ पर हम चर्चा कर रहे थे कि बरसात के पानी को हम यहाँ पर संरक्षित कर सकते हैं तालाब का निर्माण करवा के, और क्या कहेंगे इसके घटकों के बारे में? इन तालाबों का आप अपने खेत पे भी निर्माण कर सकते हैं और या सामुदायिक रूप से भी कर सकते हैं। जो जमीनी क्षेत्र हैं या समतल क्षेत्र हैं, जिन्हें प्लेन्स कहा जाता है, या पहाड़ी क्षेत्र हैं, दोनों के लिए अलग अलग अनुदान राशि निश्चित की गई है इन योजना में। आप अपने यहाँ खेत में अगर बनाना चाहते हैं तालाब तो आप बना सकते हैं, या सामुदायिक रूप से आप ये तालाबों को बना के पानी इकट्ठा कर सकते हैं। इसमें मैं यही कहना चाहूँगा आप लोगों से, ये पानी जो आपने इकट्ठा करें उसे आधुनिक तरीके से ही इस्तेमाल करें, जिससे कि जो बूंद बूंद पानी बचेगा आपका, वो आपका अभी खरीफ में तो बारिश होती है, रबी मौसम में जो आगे के वाले महीने आने वाले हैं जब बारिश ख़त्म हो जाएगी
तब आप उस पानी को बचा रखेंगे और आपकी रबी की फसलों में भी उस पानी का इस्तेमाल हो सकता है। बिल्कुल, तो आप यहाँ पर ऐसे तालाब निर्माण करवा के चाहे आप अपने खुद के खेत में करवाना चाहे या फिर सामूहिक रूप से अपने गांव में बनवाना चाहे बीजक बनवा सकते हैं। आर्थिक सहायता भी मुहैया करवाई जाएगी आपको इसके लिए, तो बिल्कुल काफी फायदेमंद योजना बनकर सामने आ रही है और इसके बारे में आपसे जानकारी लेंगे। लेकिन एक कॉलर जुड़ गए यहाँ पर, उनका सवाल हम शामिल कर लेते हैं कार्यक्रम में। हेलो हेलो हेलो, लगता है इनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। कोई बात नहीं, आप दोबारा कोशिश कीजिए, जैसे ही आपका कॉल कनेक्ट होगा हम आपके सवाल जानेंगे, जवाब आप तक पहुंचाएंगे। और बता दें यहाँ पर डॉक्टर इस्तर हमारे साथ जुड़ गई हैं, बड़ा हम इंतजार कर रहे थे डॉक्टर इस्तर आपका। अनानास की खेती के बारे में जानना चाहते हैं हमारे सभी दर्शक। हमारे देश में अगर हम अनानास की खेती की बात करें तो कहाँ कहाँ मुख्य रूप से होती है? डॉक्टर इस्तर बताएं कौन कौन सी जगह है जहां पर अनानास की खेती की जाती है देश में हमारे? अनानास को, हेलो, सुनाई दे रहे? जी सुनाई दे रही है, आपकी आवाज हम तक पहुंच रही है, बताएं। जी जी, थैंक यू। अनानास को ये असम में और ये महाराष्ट्र में और यूपी में, वहां पे ज्यादा खेती करते हैं। और वहां पे जी असम में भी ये हम लोग का ये दो वैरायटी रिलीज हुआ है जी। एक बोलते जलदूप बोलते और एक अमृता बोलते, वो नॉर्थ ईस्ट के लिए भी जी अच्छा से हम लोग ये असम से जो दो वैरायटीज रिलीज की गई हैं वो अगर हम नॉर्थ ईस्ट इलाके की बात करें, पूर्वोत्तर इलाके की बात करें तो काफी अच्छी मानी जाती है यहाँ पर। तो समय क्या रहता है, सही टाइम क्या रहता है अनानास की खेती स्टार्ट करने के लिए? प्लांटिंग टाइम को, प्लांटिंग टाइम जी बिल्कुल। तो देखिए अनानास की खेती के बारे में और हम आपसे जानेंगे, लेकिन एक रिपोर्ट है हमारी, उस पर सबसे पहले नजर डाल लेते हैं यहाँ पर। देश में काफी संख्या में किसान फलों की खेती से जुड़े हैं, लेकिन अच्छे मुनाफे के लिए ऐसे फलों की खेती करना फायदेमंद रहता है जिनकी बाजार में अच्छी खासी मांग रहती हो। ऐसी ही एक फसल है अनानास। अनानास एक तरह का फल है जिसकी खेती किसान व्यावसायिक फसल के रूप में करते हैं। हमारे देश में अनानास की खेती मुख्य रूप से केरल, आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, असम और मिजोरम में की जाती है। मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश के किसान भी अनानास की खेती करने लगे हैं। अनानास की खेती के लिए नम यानी आर्द्र जलवायु की जरूरत होती है। इसकी खेती के लिए 100 से 150 सेंटीमीटर बारिश की जरूरत होती है। अनानास में ज्यादा गर्मी और पाला पड़ने की क्षमता नहीं होती, इसके लिए 22 से 32 डिग्री सेल्सियस तापमान सही रहता है। दिन रात के तापमान में कम से कम 4 डिग्री का अंतर होना चाहिए। अनानास उगाने का मुख्य मौसम जुलाई से सितंबर तक होता है और फसल को कटाई के लिए पर्याप्त रूप से विकसित होने में लगभग 18 से 24 महीने लगते हैं। मैदानी भागों में अनानास की खेती से पहले मिट्टी व खेत को अच्छे से जोत लें। पहाड़ी इलाकों में इसकी सीढ़ीदार खेती की जाती है। खेती के लिए पौधे से पौधे की दूरी कुल 25 सेंटीमीटर और कतार की दूरी 60 सेंटीमीटर रखें। इनको 10 सेंटीमीटर की गहराई में रोपें। पौधों को एक सप्ताह छाया में सुखाएं और पत्तियों को अलग कर दें। जमीन में पौधा सीधा लगाएं और उसके कालिका वाले हिस्से में मिट्टी ना भरे। ज्यादा दूरी पर कुल 15 से 20 हजार पौधे प्रति हेक्टेयर लगाकर लगभग 10 से 15 टन आसानी से उपज ली जा सकती है। तो देखिए अभी आपने खास रिपोर्ट, आइए इसी के संदर्भ में यानी कि अनानास की खेती के संदर्भ में ही हम जानकारी ले लेंगे। हमारी विशेषज्ञ से जुड़ गई है हमारे साथ, लेकिन एक फोन कॉल भी यहाँ पर आ गया है हमारे पास। हमारे पास कॉलर है, उनका सवाल हम पहले शामिल कर लेते हैं। हेलो 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 जी, नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में, क्या सवाल है आपका? ये नमस्ते मैडम, हम दत्तोदा गाँव से बोल रहे हैं। हमको योजना है जो हमको कोई योजना नहीं मिलती है इसके लिए। तो कृषि सिंचाई योजना का लाभ आप लेना चाहते हैं पर आपको इसका अभी तक कुछ पता नहीं है इसके बारे में, या फिर वहाँ पे आप किसी से संपर्क करना चाहते हैं, इसके बारे में जानना चाहते हैं?
ये जो पाइप के योजना है और ये जो बीमा फसल योजना है, ये इसके लिए क्या कर सकते हैं? जैसे हमारे किसान कहते हैं हमें जानकारी नहीं है, लाभ कैसे मिल सकता है, कैसे जुड़ सकते हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? पूनम चंद जी, बहुत सारी भारत सरकार की योजनाएं हैं, जैसे आपने चर्चा की, हम अभी आज चर्चा कर रहे हैं कृषि सिंचाई योजना की, आपने कहा फसल बीमा योजना की। आपको इन सब से अगर जानकारी चाहिए तो आपको अपने जिला कृषि अधिकारी या ब्लॉक स्तर पर जो आपका कृषि अधिकारी हैं या बागवानी अधिकारी हैं उनसे संपर्क करना पड़ेगा कि हमारे जिले में आपके जिले के अनुरूप से क्या सिंचाई योजना चल रही है, फसल बीमा योजना भी चल रही होगी और भारत सरकार की बहुत सारी योजनाएं वहां पर चल रही होंगी। उन सब की जानकारी अगर चाहिए तो आपको तुरंत आप अपने जिला कृषि जिला मुख्यालय पे जाएं और वहां कृषि अधिकारी या बागवानी अधिकारी वहां पे उपलब्ध होते हैं, उनसे संपर्क करें। और इन सब के अलावा आप अपना जिला कृषि विज्ञान केंद्र होता है या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के बहुत सारे संस्थान हैं, और इसके अलावा आपके पास किसान कॉल सेंटर है जिनको आप सीधे सीधे कॉल करके कि ये बता के कि मैं इंदौर में इस जगह का रहने वाला हूं और मुझे इस तरह की समस्या है और मैं इस समस्या के अंतर्गत और इस योजना का लाभ लेना चाहता हूँ। आज हम चर्चा कर रहे हैं कृषि सिंचाई योजना पे, और चूंकि अगर आपने बात करें सिंचाई योजना की, अगर आप हम चर्चा में पहले भी हमने बताया कि हर खेत को पानी या एक बूंद से ज़्यादा किसे उत्पादन लेना, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, यानी आधुनिक कृषि सिंचाई योजनाओं से विधियों को इस्तेमाल करके आप कम पानी से अधिक उत्पादन ले सकते हैं, अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं, तो इन सब का तरीका वही है कि आपको अपने जिला कृषि अधिकारी से संपर्क करना पड़ेगा। जी, तो जिला कृषि अधिकारी का आप यहाँ पर रुख कीजिए, उनसे आप पूरी बातचीत कीजिए कि आप इस योजना से जुड़ना चाहते हैं, लाभ लेना चाहते हैं, निश्चित तौर पर वो आपकी इसमें मदद करेंगे। बढ़ते हैं आगे और एक और कॉलर हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं, उनका सवाल हम शामिल कर लेते हैं। हेलो हेलो जी, नमस्कार आरिफ जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में, क्या सवाल पूछना चाहते हैं? मैं अनानास का पौधा जिला बीज से होता है तो कैसे होता है वो जानना चाहता हूँ, सुरेंद्रनगर जिले में होती है खेती? बिल्कुल डॉक्टर इस्तार, आप हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, गुजरात से बात कर रहे हैं, गुजरात में ये खेती कर सकते हैं पाइनएप्पल की? जी कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो ये जानना चाहते हैं कि स्टार्ट कैसे कर सकते हैं, सीड्स अवेलेबल होते हैं या डायरेक्ट प्लांट सोइंग करनी होती है? नहीं, सीड से नहीं करते, और ये स्लिप और सकर और क्राउन हम लोग बोलते हैं उससे ही प्लांटिंग करते हैं। सकर प्लांटिंग यहाँ पर कर सकते हैं, सीड्स की यहाँ पर बीज की जरूरत नहीं होती है। हाँ। जी, तो ये अवेलेबल कहाँ हो सकते हैं? जैसे गुजरात से बात कर रहे हैं, ये तो नियर जितने भी हमारी यूनिवर्सिटीज है या जो सेंटर्स हैं वहां पर मिल सकते हैं? केरला में एक पाइनएप्पल रिसर्च सेंटर है, वहां से मिल सकते हैं। केरला में स्थित है एक पाइनएप्पल रिसर्च सेंटर, वहां से अच्छे सकर्स आपको उपलब्ध हो सकते हैं, गुजरात में आप कर सकते हैं। व्हाट विल बी द करेक्ट टाइम टू स्टार्ट पाइनएप्पल फार्मिंग, इस पर आप क्या कहेंगे? द टाइम, बेस्ट टाइम फॉर प्लांटिंग विल बी अराउंड अप्रैल टू जून। अप्रैल से जून महीने के बीच, देखिए बहुत ही सही टाइम रहता है, आप यहाँ पर अनानास की खेती की शुरुआत करना चाहते हैं तो इस दौरान आप कर सकते हैं। तो जैसे आपने कहा कि सकर्स यहाँ पर अवेलेबल होते हैं उसके थ्रू कर सकते हैं। सो व्हाट आर द बेस्ट वेराइटीज, यू टोल्ड अबाउट द टू वेराइटीज विच वर जनरेटेड बाय असम, व्हाट अबाउट द अदर स्टेट्स, अदर एरियाज? In other places, like they are growing mostly kew, queen, and then mostly this fiberless variety are preferred for processing especially. Okay. But if it's for table purpose, then we mostly prefer queen variety. Queen variety. So this, yeah. This kew and queen are very famous variety that are grown in India. And then other than that, the two varieties that I have said, like Lakhat Jaldu and then even that Amrita, they are also suitable.
हर क्षेत्र में यहाँ पर इनकी इन वैरायटीज को आप चुन सकते हैं। अनानास की खेती करना चाहते हैं, अप्रैल से जून महीना बिल्कुल उपयुक्त रहता है। आपको सकर्ष चाहिए, शुरुआत करनी है केरला में, यहाँ एक संस्थान उपस्थित है, अनानास अनुसंधान संस्थान, इसका आप रुख कर सकते हैं। आजकल डिजिटल जमाना है, गूगल पे आप जाइए, आपको पूरी डिटेल्स यहाँ पर मिल जाएंगी, जानकारी वहां पर मिल जाएगी, आप सीधा जाकर के संपर्क कर सकते हैं। फोन नंबर होगा, ईमेल आईडी होगी, उसके थ्रू आप यहां पर संपर्क कर सकते हैं, बिल्कुल वहां से सकर्स मंगवा सकते हैं और ऐसी ही जानकारियां आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन अभी रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मजा आइए, देखते रहे हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान और बने रहिए दूरदर्शन के साथ पर। अरे भाई सुना नहीं क्या, केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपए तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा, मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया, केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है, ब्याज चुकाने के लिए पूरा एक साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में आप सभी का फिर से स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना और अनानास की खेती पर। आपके पास कोई सवाल है, बेझिझक हमारे टोल फ्री नंबर पर आप कॉल कीजिए, अपने सवाल हमसे साझा कर सकते हैं, हमारे विशेषज्ञ उनके जवाब आप तक जरूर पहुंचाएंगे। और इस वक्त भी कॉलर जुड़े हुए हैं, उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से नंद स्वरूप मिश्रा जी, आइए जान लेते हैं क्या है उनका सवाल। हेलो जी, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में नंद स्वरूप मिश्रा जी, अपना सवाल पूछिए। पानी की बर्बादी, घटता हुआ जल, बढ़ता हुआ प्रदूषण के बीच में हम अगर प्रधानमंत्री सिंचाई योजना की जरूरत हमें है तो उसमें हमें जो है डीजल से बचत हो, बिजली की हमारी कोई जरूरत न हो, तो सौर ऊर्जा के माध्यम से अगर हम सिंचाई करना चाहते तो हमें क्या करना चाहिए जिससे हमें वो प्राप्त हो सके। बिल्कुल, सौर ऊर्जा के माध्यम से सिंचाई के यंत्र चलाना चाहते हैं, क्या कर सकते हैं? नंद स्वरूप जी, आपने बड़ा आजकल के समय के हिसाब से बड़ा उचित सवाल पूछा है कि क्या हम सौर ऊर्जा को सिंचाई के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको जानकारी होनी चाहिए, हमारे देश की एक और योजना है कुसुम योजना, जिसमें हम सौर ऊर्जा के यंत्रों पर अनुदान देते हैं और भारत सरकार इस पे और राज्य सरकार के माध्यम से इन पे अनुदान देती है। इन दोनों को मिला के प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना और पीएम कुसुम योजना, जिसमें सौर ऊर्जा यंत्रों पे आपको अनुदान मिलता है, इन दोनों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपको सौर ऊर्जा यंत्रों पे सब्सिडी या अनुदान चाहिए तो आपको कुसुम के अंतर्गत आपको अपने क्षेत्र में कितने हॉर्स पावर का आपको पंप चाहिए या आपकी भूमिगत जल स्तर कितना है उसके अनुसार इसके आप अनुदान ले सकते हैं। दोबारा आपको मैं अनुरोध करूंगा, उसके लिए आपको जिला कृषि अधिकारी या जिला अपने बागवानी अधिकारी से संपर्क करना पड़ेगा और हमें आपको ये बताना पड़ेगा कि हम सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करना चाहते हैं और उसके साथ साथ प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का भी लाभ लेना चाहते हैं। दोनों का योजनाओं का लाभ आप सम्मिलित रूप से ले सकते हैं। जी बिल्कुल, तो नंद स्वरूप मिश्रा जी देखिए, हमारे विशेषज्ञ ने आपको बता दिया है कि आप सिंचाई के लिए सौर ऊर्जा का भी उपयोग कर सकते हैं, इसके लिए एक योजना भी चलाई जा रही है कुसुम योजना, जिला कृषि अधिकारी का रुख कीजिए, यहां पर आप दोनों ही योजनाओं का पूर्णतः रूप से लाभ ले सकते हैं। इसी के साथ बढ़ते हैं आगे, डॉक्टर ईस्टर का यहाँ पर रुख कर लेते हैं। डॉक्टर ईस्टर, आपसे जानना चाहेंगे, आपने बोला अप्रैल से जून का जो टाइम है बिल्कुल परफेक्ट रहता है जब हमारे जो फार्मर्स हैं वो इसकी प्लांटिंग की शुरुआत कर सकते हैं। प्लांटिंग जब कर रहे हैं तो क्या प्रिपेयर करें, यहाँ पर जो पूरा उनका गार्डन है किस तरह से प्रिपेयर किया जाए उसे?
फर्स्टली दे हैव टू डू लैंड प्रिपरेशन, भूमि को यहाँ पर तैयार करना होगा, लैंड प्रिपरेशन करनी है यहाँ पर जी. किस तरह से किए, हाउ कैन दे डू दिस? Yeah, actually, after the land preparation, after they clear everything for the planting, then after that, they can give some fertilizers or some manures according to the fertility status of the soil. जी, तो यहाँ पर खाद उर्वरक का इस्तेमाल करना है जी. And then again, we have three types of propagating material: sucker, sip, and crown. And then the recommended spacing is 30 centimeter into 60 centimeter into 90 centimeter. 30 centimeter into 60 centimeter into 90 centimeter. Yeah. तो इतनी दूरी होनी चाहिए यहाँ पर planting जब आप कर रहे हैं. जी, 30 सेंटीमीटर इन बिटवीन द प्लांट्स, 60 सेंटीमीटर इन बिटवीन द हेज, ओके, 90 सेंटीमीटर इन बिटवीन द रो. इन द रो, पंक्तियों में इतनी दूरी होनी चाहिए. जी बिल्कुल. तो यहाँ पर जब आप सोइंग कर रहे हैं, लगा रहे हैं अपने सकर्स को, तो इतनी दूरी आपको निश्चित तौर पर रखनी है, तभी जब आपका पेड़ बढ़ेगा तो आपको उतनी दूरी यहाँ पर रखना बहुत जरूरी है, तभी तो अच्छी तरह से यहाँ पर बढ़वार हो पाएगी. बिल्कुल. तो आपको यहाँ पर भूमि को तैयार करना है, उसमें जिस पोषक तत्व की कमी है उसके अनुसार ही आपको पोषक तत्वों का प्रबंधन करना है. और इसके लिए आपको क्या करना है, मिट्टी की जाँच पहले करवा लीजिए. मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना बनवाना है आपको. अगर बनवाया हुआ है तो बिल्कुल अच्छी बात है, उसके अनुसार ही जितने पोषक तत्वों की कमी आ रही है उसके अनुसार पोषक तत्वों का यहां पर प्रबंधन कीजिए, और फिर आप बुआई कर सकते हैं, और बुआई भी आपको दूरी ध्यान में रखते हुए ही करनी है. बिल्कुल. अनानास की खेती के बारे में जानेंगे, लेकिन आप डॉक्टर खन्ना का यहां पर रुख कर लेते हैं. डॉक्टर खन्ना, आपसे जानेंगे कौन कौन सी आधुनिक प्रणालियां हैं जो हमारे किसान अपना सकते हैं. जैसे हमने दो घटकों की बात की, जल संचयन या सर जल संरक्षण, उसके बाद हर खेत को पानी. तीसरी हम बात करेंगे पर ड्रॉप मोर क्रॉप, यानी पर बूंद से, एक एक पानी की बूंद से अधिक उत्पादन. उसके लिए हम आधुनिक कृषि सिंचाई पद्धतियां इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे फवारा स्प्रिंकलर इरिगेशन जिसको कहा जाता है, टपक सिंचाई जिसे ड्रिप इरिगेशन कहा जाता है. फवारा का एक और रूप है जिसे रेन गन कहा जाता है, वो भी इस योजना में सम्मिलित है. इसके अलावा मिनी स्प्रिंकलर, वो भी एक फवारे का पद्धति का एक छोटा रूप है या मध्यम रूप है, वो भी आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं. हम एक एक बारे में चर्चा करें. जैसे फवारा पद्धति है, जैसे आपकी सारी फसलें हैं, गेहूं हैं, चना हैं, सब्जियां हैं, इन सब में आप फवारा पद्धति से, इसमें पानी जैसे बारिश की तरह से लगाया जाता है, पाइपलाइन के द्वारा आपके ट्यूबवेल से या पंप से कनेक्टेड होता है, और बारिश की तरह से इसमें आपको कंट्रोल होता है कि आपको अगर 2 इंच पानी लगाना है तो आपको पता है कि 1 सेंटीमीटर प्रति घंटे की दर से इसमें पानी गिरता है, तो आप 3 से 4 घंटे चलाकर गेहूं की एक सिंचाई पूरी कर सकते हैं. इस तरह से सब्जियों की खेती कर सकते हैं, इसमें ना केवल आप पानी की बचत होगी और कम पानी लगेगा, आपकी जो खाद आपने लगाई है वो घुल के जमीनी भूमिगत जमीन पे नहीं जाएगी या भूमिगत पानी पे नहीं जाएगी, बर्बाद नहीं होगी. अगर हम इसी का दूसरा रूप है, अगर आपके बड़े खेत हैं तो आप रेनगन सिंचाई आप इस्तेमाल कर सकते हैं. रेनगन सिंचाई इस नॉर्मल फवारे से उसका बड़ा रूप है. जैसे फवारों में हम 6 से 7 फवारे इस्तेमाल करते हैं, इसमें हम 1 से 2 फवारे बड़ा पंप लगाकर ज्यादा पानी एक साथ ज्यादा क्षेत्र को कवर कर सकते हैं. इसमें कम समय लगता है, लेकिन इसमें पानी की उपलब्धता या बड़ा पंप होना बहुत अनिवार्य है आपके लिए. बिल्कुल. तो ये देखिए आधुनिक प्रणालियां हैं जिसके माध्यम से आप खेती में सिंचाई कर सकते हैं, और किस तरह से ये संभव हो सकता है मानव विशेषज्ञ ने आपको बताया है. संदर्भ में जानकारियां आप तक और पहुंचाएंगे, लेकिन फिलहाल रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए. कहीं मचाइए, देखते रहिए हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान, और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर. Thank you.
क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशु बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो, आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब वो देखो, सिर्फ पैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचान PGS ऑर्गेनिक का ये लोग, उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कैसे लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। अरे अरे अरे, क्या कर रहा है इधर इधर इधर? हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहे? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। पहली वाली बात कहाँ, पर हम तो सभी डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूँगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में आप सभी का फिर से स्वागत। लगातार हम चर्चा कर रहे हैं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना और अनानास की खेती के बारे में। आपके पास कोई सवाल है तो क्या करना है आपको, हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल करना है, अपने सवाल हमसे पूछने हैं, और जैसे ही आपके सवाल हम सुनेंगे उनके जवाब हमारे विशेषज्ञ आप तक जरूर पहुंचाएंगे। और बता दें इस वक्त भी एक कॉलर जुड़ गए हमारे साथ, आइए उनका सवाल जान लेते हैं। हेलो 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 सर, नमस्कार जी। नमस्कार अतुल जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में, पूछिए अपना सवाल। जी हमारा सवाल सिंचाई योजना के अंतर्गत है, क्या भूमि अगर नहीं है तो सिंचाई कुसुम सिंचाई योजना नहीं दी जा सकती, मिलेगी? आप अपना सवाल दोहरा दीजिए। हमारे पास जमीन नहीं है खाते में, तो कुसुम सिंचाई कुसुम योजना के अंतर्गत सोलर पंप नहीं लिया जा सकता। कुसुम सिंचाई योजना के अंतर्गत क्या बारा पद्धति जो है नहीं ली जा सकती है? अतुल जी, आप दो योजनाओं को मिला रहे हैं। कुसुम योजना जो है सौर ऊर्जा के यंत्रों को खरीदने के लिए और उसके लिए सहायता दी जाती है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना सिंचाई के यंत्रों को खरीदने के लिए दी जाती है। आपका जैसा सवाल मैं समझ में आया, आपने कहा मेरे पास अगर जमीन नहीं है तो क्या मैं खरीद सकता हूँ? मेरे ख्याल से नहीं, क्योंकि उसके लिए जमीन होना बहुत जरूरी है। आपके नाम पे जमीन होना चाहिए, तभी आप प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का लाभ ले सकते हैं। जैसा इस कार्यक्रम के शुरू में भी बताया गया था कि आपके नाम पे जमीन होना चाहिए, जमीन की जानकारी उस फार्म में दी जाती है। अगर आपके पास जमीन नहीं है तो इस योजना का आप लाभ नहीं ले सकते हैं। अगर बटाईदार है तो उस केस में क्या कर सकते हैं? उस क्षेत्र में, उस केस में आप जैसे बटाई पे आपने जमीन ले रखी है, उस जमीन के लिए आप जरूर किसान योजना का या सिंचाई योजना का या कुसुम योजना का लाभ जरूर ले सकते हैं। तो इस केस में क्या एक अलग से कागजात देना होगा? हाँ, आपको अपनी जमीन के बारे में जानकारी उस फार्म में जरूर देनी पड़ेगी। आप ये नहीं कह सकते कि जमीन नहीं है, जमीन तो अगर आपने बटाई पे ले बटाई रखी पे ले रखी है तो आप उसमें लिख दीजिए कि मैंने बटाई पे ले रखी है, मेरे नाम पे नहीं है लेकिन ले रखी है, काम मैं कर रहा हूँ, तो आप इस योजना से जुड़कर इसका लाभ ले सकते हैं। बिल्कुल ये संभव है अगर ऐसी सिचुएशन है। तो बढ़ते हैं आगे, जैसे हम यहाँ पर बात कर रहे हैं सिंचाई योजना के बारे में, तो क्या
इन योजना इस योजना से हमारे पाइनएप्पल के किसान भी जुड़ सकते हैं? जैसे कि अगर हम पाइनएप्पल की खेती की यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो उनके खेतों में भी क्या ये प्रणालियां जो हैं इस्तेमाल की जा सकती हैं? इस पर पहले हम डॉक्टर खन्ना की राय ले लेते हैं, फिर यहाँ पर डॉक्टर ईस्टर का भी रुख करेंगे, क्या कहेंगे? बहुत जरूरी है, इन सारी जो बाग वाली फसलें हैं, अनानास की खेती है, उसमें हम सिंचाई का उचित प्रबंधन करें। जैसे इसमें टपक सिंचाई का जरूर आप इस्तेमाल करें, आप जो खाद देना चाहते हैं वो खाद भी टपक सिंचाई के माध्यम से, यानी कि ड्रिप के द्वारा, फर्टिगेशन जिसे कहा जाता है, घुलनशील खादों को आप इस संयंत्र या टपक सिंचाई से लगा सकते हैं। जरूर इस्तेमाल करें, उससे आपका पानी भी कम लगेगा और उचित मात्रा में आप खाद लगाएंगे, कम से कम केमिकल इस्तेमाल होगा, तो आपका उत्पादन बहुत बढ़ेगा और आपके पास पानी की बचत होगी और बहुत आसानी से आप खेती कर सकते हैं। बिल्कुल, तो देखिए, चाहे आपके पास अनानास का बाग हो, कोई भी फलों का बाग हो, आप टपक सिंचाई पद्धति का इस्तेमाल कर सकते हैं और पानी के साथ ही अगर आप घुलनशील उर्वरक दे देंगे तो वो आपके लिए और भी ज्यादा फायदेमंद साबित हो जाएगा। एक ही बार में आपके पानी भी मिल जाएगा और उर्वरक भी मिल जाएंगे, खाद भी मिल जाएगी, जिससे आपका समय बचेगा, लागत बचेगी और आपके लिए ये मुनाफा ही लाएगा। बढ़ते हैं आगे, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका सवाल जान लेते हैं पहले। हेलो, हेलो जी मैम। जी नमस्कार राहुल जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में, पूछिए अपना सवाल। जी मैम, मैं पूछना चाहता हूँ, एक तो ये क्या बोलते हैं, किसान क्रेडिट जो योजना है, सिंचाई योजना, जी मैम, जो किसान के क्रेडिट कार्ड योजना होती है ना मैम, जी KCC, जी उसके लिए क्या क्या वो हो सकता है? और दूसरा, क्या उत्तराखंड में अनानास की खेती भी कर सकते हैं? उत्तराखंड में अनानास की खेती कर सकते हैं या फिर नहीं, ये भी जानना चाहते हैं। देखिए, आज तो हम बात कर रहे हैं कृषि सिंचाई योजना के बारे में, किसान क्रेडिट कार्ड पर यहाँ पर अभी चर्चा नहीं चल रही है, लेकिन अगर आप इसके बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो बेझिझक आप नजदीकी जो भी आपके बैंक है या जिला कृषि अधिकारी है वहां का रुख कर सकते हैं, उनके पास जाइए, किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। अगर आप ज्यादा ही जानकारी लेना चाहते हैं, सीधा बैंक का रुख कर सकते हैं जो भी आपके निकटतम बैंक है। जहां तक अनानास की बात है, यहां पर डॉक्टर ईस्टर का रुख कर सकते हैं। डॉक्टर ईस्टर, अनानास की खेती, पाइनएप्पल फार्मिंग उत्तराखंड में कर सकते हैं हमारे फार्मर्स? एक्चुअली इट डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर प्रिवेलिंग देयर। पाइनएप्पल इट प्रेफर्स, ओके, यू आर सेइंग द परफेक्ट टेम्परेचर शुड बी देयर, सो व्हाट शुड बी द परफेक्ट टेम्परेचर, कैन यू प्लीज टेल दैट? Yeah, 25 to 30 degrees Celsius. Actually, it prefers warm, humid, tropical climate. But I think from my side, even in Uttarakhand also, it will be possible. Except North India, it will be possible. जी, North India where snowfall used to occur, other than the places in, other than that, most of the states we can do cultivation of pineapple. जी, तो राहुल जी, आप कर सकते हैं, 25 से 30 डिग्री तक का यहाँ पर टेम्परेचर चाहिए, बेझिझक आप कर सकते हैं पाइनएप्पल की खेती उत्तराखंड में। लेकिन यही हमारी भी सलाह रहती है हर बार हमारे हर किसान को, कि किसी भी नई चीज की आप शुरुआत कर रहे हैं तो छोटे स्तर पर करके देखिए, जैसे ही अगर आपको उसमें सफलता मिलती है, पर फिर आप धीरे धीरे उसका स्तर बढ़ा सकते हैं और उसे अपने लिए मुनाफे वाला बना सकते हैं। बढ़ते हैं आगे, एक और कॉलर हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं, उनका सवाल भी जान लेते हैं। हेलो, हेलो, नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में, पूछिए अपना सवाल राजकुमार जी। जी मैडम, जैसे कि किसान सिंचाई योजना 5 एकड़ वालों को मिल सकेगी या नहीं? जी, क्या कहेंगे डॉक्टर खन्ना? राजकुमार जी, आपने कहा कि 5 एकड़ में आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, जरूर मिलेगा आपको 5 एकड़ के लिए भी। हर क्षेत्र के लिए इसकी निर्धारित करी गई है योजना में, जितनी आपको सहायता मिल सकती है, और अगर आपको क्षेत्र के हिसाब से कितना बड़ा आपको सिस्टम या फवारा लेना है या टपक लेना है या भूमिगत जल प्रणाली लेनी है, अंडरग्राउंड पाइपलाइन सिस्टम लेना है, उस हिसाब से उसकी एक नीति या दाम निर्धारित किए गए हैं इस योजना में, और आपको उसके अनुसार कितना आपको लाभ मिल सकता है, कितनी आपको सब्सिडी मिल सकती है, वो सारा इसमें इस योजना में निर्धारित है। आपको तुरंत अपने जिला कृषि अधिकारी या बागवानी अधिकारी से संपर्क करिए और जो भी योजना में घटक हैं उसके, जैसे चाहे फव्वारा लगाना चाहते हैं या टपक लगाना चाहते हैं, सिंचाई पद्धति, उन सब का आप जरूर ले सकते हैं।
जी बिल्कुल, तो यहाँ पर देखिए आप ले सकते हैं लाभ, किसका आपको संपर्क करना है इसके बारे में हमारे विशेषज्ञ ने आपको बता दिया है। बढ़ते हैं आगे, एक और कॉलर हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं, उनका सवाल जान लेते हैं। हेलो हेलो हेलो, हाँ जी जी नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में, क्या सवाल है आपका? सूर्य पंप लगवाना चाहती, सोलर पंप लगवाना चाहते हैं आप? जी 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 जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? लटेरी तहसील नैनवास से। जी, जगह का नाम एक बार दोहरा दीजिए। तहसील लटेरी ग्राम नैनवास। जी, क्या कहेंगे आप? किसी तहसील ग्राम नैनवास से बात कर रहे हैं, आप सौर ऊर्जा लगाना चाहते हैं या सौर ऊर्जा को आप सिंचाई के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं? आप जरूर लगवा सकते हैं, हमारे देश की पीएम कुसुम योजना है जिसके अंतर्गत सौर ऊर्जा के यंत्रों पर आपको सहायता मिलती है। आपको तुरंत वही करना है कि आपके ज़मीन के कागज़ लेके, जब पूरी अपनी जानकारी लेकर अपने क्षेत्र की और भूमिगत जल कितना किस स्तर पर है, यानी कि पानी आप ज़मीन से नीचे से लाना चाहते हैं या तालाब से लाना चाहते हैं, वो जानकारी लेकर आप अपनी सारी जानकारी लेकर जिला कृषि अधिकारी के पास जाएँ और उनसे कहें कि मैं सौर ऊर्जा यंत्र खरीदना चाहता हूं, वो आपको आपकी जानकारी के अनुसार वो बता पाएंगे कि आपको कितना बड़ा पंप सेट चाहिए, 3 हॉर्स पावर का पंप सेट चाहिए या 5 हॉर्स पावर का पंप सेट चाहिए, वो सौर ऊर्जा से चलने वाला पंप सेट आपको पूरी यंत्रों के बारे में जानकारी दे पाएंगे और तब आप इस योजना को ले सकते हैं और इसको आप साथ साथ प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से भी जोड़ सकते हैं कि उन सब के साथ में आप कैसे आप आधुनिक सिंचाई विधियों को इस्तेमाल करें जो सौर ऊर्जा से उठाने वाला पानी का यंत्र है उसके साथ आप जोड़कर उचित तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल, तो देखिए आप बेझिझक यहाँ पर सौर ऊर्जा से चलित पंप ले सकते हैं, उसके लिए क्या प्रक्रिया आपको अपनानी है हमारे विशेषज्ञ ने आपको बता दिया है और ऐसी ही महत्वपूर्ण बातें और भी आपको बताएंगे, लेकिन अभी रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा लाइव ऑन कार्यक्रम हेलो किसान और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। अरे वाह भैया, अकेले अकेले? अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा। अरे बेटे, अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी, फिर BGS ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुँचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा हाँ। अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना, साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनो मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिसे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है? हाँ, क्यों, क्या हुआ, अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है, और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल्का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म? हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें, किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में आप सभी का फिर से स्वागत है। लगातार हम चर्चा कर रहे हैं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना और अनानास की खेती के बारे में। आपके पास कोई सवाल है जल्दी से अपना फोन उठा लीजिए, क्योंकि अब समय काफी कम रह गया है, हम आपके सवाल जानेंगे, जवाब आप तक पहुंचाएंगे। तो लेकिन आपको करना क्या है, जल्दी से अपना फोन उठा के हमें कॉल यहाँ पर
करना है। इसके साथ हम बढ़ते हैं आगे, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और रुख कर लेते हैं यहाँ पर डॉक्टर खन्ना का। डॉक्टर खन्ना, आप लगातार बता रहे हैं कि हमारे किसान फव्वारा पद्धति को अपना सकते हैं, टपक सिंचाई को अपना सकते हैं, जिससे पानी की काफी बचत कर सकते हैं, अपनी लागत में कमी ला सकते हैं। हमारे किसानों को इससे जुड़ना है तो आपने कहा जिला कृषि अधिकारी के पास जा सकते हैं, लेकिन आजकल जैसे हम देख रहे हैं डिजिटल जमाना है, सब अपने मोबाइल फोन्स में ही करना चाहते हैं कि आसानी से हो जाए, क्या कोई डिजिटल माध्यम भी है जिसके जरिए हमारे किसान इससे जुड़ सकते हैं? हाँ, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत सारी जानकारी आपको गूगल पे, जैसे आपने बताया कि गूगल पे आप देख सकते हैं, उस योजना के सारे घटकों की जानकारी आप इसमें, हम लोगों ने या भारत सरकार ने बहुत अच्छे तरीके से आपके क्षेत्र के अनुसार, जैसे आपका कोई एक एकड़ का क्षेत्र है या दो एकड़ का है या पाँच एकड़ का है या बड़ा क्षेत्र है, उन सब के अनुसार अलग अलग फसलों में, जैसे आप टपक सिंचाई लगाना चाहते हैं तो अलग अलग फसलों की पंक्ति से और रो की दूरी अलग अलग होती है और दोनों के हिसाब से टपक सिंचाई का व्यवस्था अलग होती है, उन सब की जानकारी, एक एक जानकारी उसमें क्या क्या उसके इक्विपमेंट लगता है या क्या 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 उसमें कंपोनेंट होते हैं, क्या क्या उसके घटक होते हैं टपक सिंचाई के, क्या क्या लगाना है, वो सारी जानकारी आप अपने, अगर आप मोबाइल इस्तेमाल करते हैं तो उसमें आप गूगल करके देख सकते हैं, पूरी जानकारी ले सकते हैं। उससे आपको बहुत आसानी रहेगी कि जब आप कृषि अधिकारी के पास जाएंगे तो आपको अपने क्षेत्र की पूरी जानकारी है, मेरा कितना क्षेत्रफल है, मैं किस खेती कर रहा हूँ, कौन सी फसलें लगा रहा हूँ, उन फसलों में रो टू रो या प्लांट टू प्लांट या पंक्ति या पौधे से पौधे की कितनी कितनी दूरी है और कितने समय पे मैं क्या खाद लगाता हूँ, मेरी जमीन कैसी है, वो सारी जानकारी लेकर आप जब जाएंगे जिला कृषि अधिकारी को तो वो जानकारी के अनुसार वो आपको सुझाव दे सकते हैं कि आपको कौन सा सिस्टम आपके लिए उपलब्ध है या सुटेबल है और जो वो सही रहेगा वो ही आपको मिलेगा, मिलेगी और सहायता भी यहाँ पर उस हिसाब से आपको उसी अनुदान भी मिलेगा आपके क्षेत्रफल के अनुसार, कितना बड़े क्षेत्र में आप लगाना चाहते हैं उसके अनुसार आपको सहायता मिलेगी और बहुत आसानी से ये काम आप कर पाएंगे। बिल्कुल, तो देखिए डिजिटल हो रहा है जमाना, डिजिटल हो रहा है हमारा देश, हमारा इंडिया, तो ऐसे में आप ये जो इंटरनेट है इसके माध्यम से भी तमाम जानकारियां हासिल कर सकते हैं। फिर आप जाइए जिला कृषि अधिकारी के पास और बेझिझक उनसे बोलिए कि हमें इस क्षेत्र के लिए कोई सिस्टम चाहिए, हमें अनुदान राशि चाहिए, तो आपकी और अच्छी तरह से यहाँ पर सहायता की जाएगी। बढ़ते हैं आगे और डॉक्टर एस्टर का रुख करना चाहेंगे। डॉक्टर एस्टर, आपने शुरू में कहा था कि कुछ प्रोसेसिंग के लिए भी यहाँ पर वैरायटीज हैं, तो कौन कौन से प्रोसेस्ड फूड्स हैं या फिर कहें कि प्रोडक्ट्स हैं जो तैयार किए जा सकते हैं पाइन एप्पल से, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? जी, पाइनएप्पल में प्रोसेस प्रोडक्ट अभी तो वी हैव पाइनएप्पल जैम जी एंड देन कैन प्रोडक्ट्स इज आल्सो देयर जी एंड देन मोस्टली एज आई सेड ऑलरेडी फॉर द पाइनएप्पल वैरायटीज फाइबरलेस वन आर द मोस्ट प्रेफर्ड वन जी, जो फाइबरलेस वैरायटीज होती हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं हमारे किसान प्रोसेस्ड फूड या फिर कहें प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, जैसे जैम है, सॉस है, केन प्रोडक्ट्स हैं हमारे, ये सब बनाए जा सकते हैं पाइनएप्पल से। तो हम कह सकते हैं कि पाइनएप्पल फार्मिंग हमारे फार्मर्स के लिए काफी बेनिफिशियल प्रूफ हो सकती है। जी, अगर हमारे किसान अच्छी वैरायटी का यहाँ पर चयन करते हैं, अच्छी तरह से बाग लगाते हैं, खेत की तैयारी अच्छे से करते हैं, दूरी का ध्यान रखते हुए अच्छे से फर्टिलाइजर्स उर्वरकों का इस्तेमाल करते हैं, खाद का इस्तेमाल करते हैं, तो बेझिझक हमारे किसान इससे फायदा ले सकते हैं, हमारे किसानों की आमदनी में बढ़ोतरी हो सकती है, अच्छी उपज तो हासिल कर ही सकते हैं। तो जैसे हमारी विशेषज्ञ ने बताया कि आप प्रोसेसिंग यानी कि प्रसंस्करण भी कर सकते हैं, तमाम तरह के उत्पाद यहाँ पर तैयार करके बिकवाली कीजिए, आपकी आमदनी खुद ब खुद बढ़ जाएगी। डॉक्टर ईस्टर, बहुत बहुत आपका धन्यवाद देना चाहेंगे, आप हमारे साथ जुड़ी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग इन्फॉर्मेशन टू ऑल आवर व्यूअर्स, थैंक यू वेरी मच। तो डॉक्टर खन्ना यहाँ पर उपस्थित हैं। डॉक्टर खन्ना, अंतिम टिप्पणी आपसे लेना चाहेंगे हमारे किसानों के लिए, इस योजना का लाभ कैसे ले सकते हैं, मतलब कैसे फायदेमंद साबित हो सकती है, कम शब्दों में जल्द से बता दें।
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना बहुत ही उपयोगी योजना है आप सबके लिए, सिंचाई के लिए, चाहे वो हर खेत को पानी या पर ड्रॉप मोर क्रॉप, आधुनिक सिंचाई विधियां या पानी के संरक्षण या संचयन के लिए, इन सब योजनाओं का आप तुरंत लाभ लें, अपने खेती को अच्छा करें, कम पानी से अधिक उत्पादन करें और अच्छी क्वालिटी का उत्पादन करें, जिससे बाजार में दाम मिलेगा अच्छा आपको और आपकी इनकम बढ़ेगी और आपकी इनकम दुगनी होने में सहायता मिलेगी। बिल्कुल, तो ये योजनाएं शुरू इसलिए की गई हैं कि हमारे किसानों की लागत में कमी आ सके और उनकी आमदनी में बढ़ोतरी हो सके। तो देखिए, अहम जानकारियां हमारे विशेषज्ञ ने आप तक पहुंचाई हैं, उसके लिए सबसे पहले तो इनका धन्यवाद दे देते हैं। डॉक्टर खन्ना, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप हमारे साथ यहाँ पर उपस्थित हुए, आपने हमारे किसानों को जागरूक किया है, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो किसान भाइयों बहनों, उम्मीद करते हैं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में अब आप बहुत सारी जानकारियां हासिल कर चुके हैं, इससे आप जरूर जुड़ेंगे। अनानास की खेती आप कैसे कर सकते हैं, कौन सी अच्छी वैरायटीज हैं, कहां कहां की जा सकती है हमारे देश में, आपने इसके बारे में भी जान लिया। ये तो बात हो गई आज के कार्यक्रम की। अगले कार्यक्रम में क्या विषय हम आपके लिए लेकर आने वाले हैं, आइए आपको बता देते हैं। अगले कार्यक्रम का विषय है, बता दें आपको, कि मोटे अनाज का खाद्य प्रसंस्करण। जी हाँ, इस पर चर्चा हम करने वाले हैं, साथ ही लाभकारी कीटों की महत्वता के बारे में बताएंगे, चाहे मधुमक्खी हो, रेशम कीट हो, परागणकर्ता कीट हो, चाहे लाख कीट हो, इन पर हम विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। सवाल हमें ईमेल कर सकते हैं, lokisan2015@gmail.com हमारी ईमेल आईडी है। आप फेसबुक के जरिए भी जुड़ सकते हैं, फेसबुक को जाइए, हिंदी में टाइप कीजिए हेलो किसान, वहां पर हमारा पेज खुलेगा, अपने सवाल आप पोस्ट कर सकते हैं। डीडी किसान कॉल सेंटर नंबर है 1800-1130-60, जिस पर सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे तक आप कॉल करके अपने सवाल रिकॉर्ड करवा सकते हैं, जिन्हें हम कार्यक्रम में शामिल जरूर करेंगे। और एक विशेष जानकारी आपके लिए, हेलो किसान के आपको एपिसोड्स दोबारा देखने हैं, टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को आप स्कैन कीजिए, सीधा पहुंच जाएंगे हमारे YouTube चैनल पर, आप हमारे सारे एपिसोड्स दोबारा देख सकते हैं और तमाम जानकारियां पुनः हासिल कर सकते हैं। तो इसी के साथ बता दें, आज के लिए इतना ही, अगले अंक में होगी मुलाकात, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।